अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ एक और रिव्यू शेयर करूंगी वैक्स स्ट्रिप्स के बारे में। सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बता दूं। जब मैं पाकिस्तान में थी तब जो मैं वैक्स स्ट्रिप्स वहाँ यूज़ करती थी वो बिल्कुल ठीक थी, मतलब मुझे बहुत पसंद थी वहाँ जो मैं लोकल कहीं भी किसी भी शॉप पे इजीली अवेलेबल है। जब मैं यूएस आई तो मैंने यहाँ पे काफ़ी देखी, वही ब्रांड्स ट्राई करने की कोशिश की, जैसे नायर ब्रांड है और एक नेट्स है। तो इस तरह मतलब मैंने काफ़ी जो मैं वहाँ यूज़ करती थी वही मैंने यहाँ पे सर्च की, मैंने यहाँ से ली। लेकिन ऐसा होता था कि स्ट्रिप्स जो होती थी वो ड्राई होती थी, और उसके बाद मैंने काफ़ी डिफरेंट ब्रांड्स यूज़ किए। फाइनली कुछ अर्सा पहले मैं वॉलमार्ट गई थी और ये सैली हैंसन का मैं नहीं लेना चाह रही थी, मैं श्योर नहीं थी इसके बारे में। मैंने ये फ़र्स्ट टाइम ली है क्योंकि जो जो मैं रेगुलर लेती रही हूँ वो नहीं थे। पाकिस्तान में ऐसा होता था कि जो मैं लेती थी, जैसे कम्प्लीटली आप वैक्स यूज़ कर रहे हो तो आपके कम्प्लीटली बाल निकल रहे हैं, ठीक है। यहाँ ये होता था कि आधे में टूट जाते थे, मेरे लाइट हैं लेकिन इसके बावजूद भी मैं जब भी वैक्स करती थी तो यही होता था कि मुझे पता होता था कि ये बाल जैसे सही से नहीं निकले जैसे मेरे बाजू पे। ये सैली हैंसन का फिर मैंने ट्राई किया और मुझे बहुत पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है, और है जो कि कम्प्लीटली आपके बाल रिमूव करता है और जितने भी है वो आधे में टूट जाते हैं, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है वैक्स करने का। इससे अच्छा है कि इंसान फिर रेज़र कर ले। और ये सैली हैंसन के जो है इसमें थ्री डिफरेंट टाइप के हैं, जैसे लार्ज साइज़ और ये मीडियम एंड स्मॉल, और साथ ये ऑयल भी है। मैं इसको आपको अंदर से भी दिखा दूँ, बिल्कुल ये ट्रांसपेरेंट बहुत ही पतला है। ये मैं आपको अंदर से दिखाती हूँ, आप देख सकते हैं, आप नज़र भी देख, ये बहुत ज़्यादा थिन लेयर है वैक्स की, और आपको लगेगा कि नहीं इससे कुछ भी नहीं होगा, लेकिन यही वाहिद ऐसा मुझे ब्रांड जो मिला है यहाँ पे इतना इतने ज़्यादा ट्राई करने के बाद, यही एक वाहिद है जो कि बहुत अच्छे से आपकी कम्प्लीटली क्लियर कर देते हैं और आपको सलून जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और इसमें कोकोनट एंड मरूला ऑयल्स हैं, और इसमें टोटल 34 वैक्स स्ट्रिप्स हैं विद थ्री डिफरेंट साइजेस। इसमें एक ऑयल भी है जो कि आफ्टर वैक्सिंग आप यूज़ करेंगे और इससे ये होगा कि आपकी जो ग्रोथ होगी बालों की वो कम हो जाएगी। ये एजुलिन फिनिशिंग ऑयल, ये है 14.7 ml, क्वांटिटी इसकी सही है, और पैसों के लिहाज से भी ये काफ़ी ज़्यादा है। इसमें जैसे थ्री डिफरेंट आपको सिर्फ जिस तरह आप लॉन्ग लेते हैं दूसरे किसी वैक्स स्ट्रिप्स में, फिर आप उसको कैंची से काटना, मतलब मेस है टोटल, और प्लस वो क्लियरली इस तरह हटाते भी नहीं है बाल, आधे में टूट जाते। मेरे साथ बहुत बार हो चुके हैं और मैं ऑलमोस्ट हर ब्रांड ट्राई कर चुकी हूँ यहाँ पे, सिर्फ इसके अलावा कोई ऐसा ब्रांड नहीं है जो सही से कम्प्लीटली आपके हाथ बाजू से सही से बाल निकाले। मैं आपके सामने एक ट्राई करती हूँ, इसको दोनों हाथों में लेके रब करना है एंड देन क्लियर वैक्स है ऑलमोस्ट। मैं दिखा दूँ आपको अपने बाल, ठीक है, आप देख सकते हैं कि मैंने नीचे से जैसे
मैं ओबियसली वीडियो बना रही हूँ और मैं नीचे से इस तरह पकड़ना पड़ता है, देन आपको खींचना होता है जिस डायरेक्शन में बाल है उसके ऑपोजिट से। तो आप देख सकते हैं कि मैंने नीचे से नहीं पकड़ा, फिर भी ये सही से ही निकले। मैं थोड़ा और ट्राई करके दिखाती हूँ आपको। मैंने पर्पसली छोटी स्ट्रिप ली है ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि मतलब आपका ज़ाया नहीं हुआ। अगर आप वैक्स फेस पे नहीं करना चाह रहे हैं तो आप वो ही जो छोटी स्ट्रिप है वो आप यूज़ कर सकते हैं अपनी बॉडी पे। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जस्ट फेस के लिए। देख सकते हैं आप, मैं समझती हूँ कि हर लड़की को ज़रूरी नहीं है कि हम बहुत छोटी छोटी चीज़ों के लिए सलून जाएं। हाँ, अगर कोई बहुत ज़्यादा बिजी है या जैसे पेपर्स हैं और आपके पास टाइम नहीं है तो आप सलून जा सकते हैं। अदरवाइज इफ़ यू आर एट होम, और ये बेसिक चीज़ें मैं समझती हूँ कि हर लड़की को खुद सीखनी चाहिए। मैंने खुद सीखी थी कर करके। और एक और बात मैं बताना भूल गई हूँ, जैसे ये अब तक इसमें जैसे वो है ना, मतलब बाल हटाने की जो पहले मैंने वैक्स स्ट्रिप्स यूज़ किया है, मैं एक दफ़ा दो दफ़ा यूज़ करती थी तो ऐसा होता था कि वो ड्राई हो जाती थी, वो ही वैक्स स्ट्रिप मुझे फिर से यूज़। इसमें अब तक जो मैं इसमें इतना ज़्यादा वो है कि ये अभी तक मैं अगर पूरा बाजू भी सिर्फ़ एक इस स्ट्रिप्स के साथ करूँ, मतलब मेरे दोनों बाजू जैसे इसके साथ इजीली हो जाएंगे इस छोटी स्ट्रिप के साथ, तो आप खुद सोचे कि ये कितना लंबा चलेगा। और इससे पहले जो मैं वैक्स स्ट्रिप्स यूज़ करती थी वो जैसे एक दफ़ा यूज़ कर लिया बस, उसके बाद एक ही जगह पे अगर मैंने लगा दिया तो देन वो जो होगी उसमें कोई वो नहीं रहेगी, वो वैक्स बस जैसे नॉर्मल चिपकेगा नहीं, मतलब वो और बाल नहीं हटा सकते और कहीं से भी। तो बहुत जल्दी जल्दी जैसे वैक्स स्ट्रिप्स का जो ये बॉक्स है वो ख़त्म होता था, और वो मैं ऑलमोस्ट इस साइज़ में लेती थी, सबसे बड़े साइज़ में उसमें होते थे और वो 16x24 होते थे या 16, लेकिन ये मुझे लगता है काफ़ी अरसा चलेंगे। इसमें पूरा मेथड लिखा हुआ है। जो सबसे स्मॉल साइज़ है वो ये है, उसके बाद ये वाला है और देन ये वाला, चल जाएंगे ये काफ़ी अरसा। ये वाले अगर अपर लिप्स पे यूज़ करें और इसके साथ ये ऑयल उसके बाद लगाएं, आप ट्राई कर सकते हैं कि बाल ख़त्म हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। सो मैं रिकमेंड करूँगी ये वैक्स स्ट्रिप्स, और ये मेरा अपना पर्सनल रिव्यू है, ऑनेस्ट रिव्यू है, और इनकी इनका मैं कोई स्पॉन्सर्ड नहीं है। ये वीडियो मुझे पर्सनली अच्छा लगा तो मैंने सोचा कि अपने चैनल पे मैं ये बताऊं ताकि लोगों को पता चले ये कौन सा ब्रांड बेहतर है। और अब इससे पहले जो मैंने वैक्स स्ट्रिप्स ली हैं जिन ब्रांड्स की, तो मुझे लगता है कि वो मैंने जस्ट पैसे ही ज़ाया किए हैं, क्योंकि मैंने अभी ये किया है खुद और इसमें ठीक है एक दो बाल जैसे कम्प्लीटली रिमूव नहीं हुए होंगे, लेकिन एटलीस्ट 80% 90% बाल तो हट गए हैं। ओवरऑल मुझे ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा है, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।